जवाद हुसैन साहब, जनाब मोहम्मद मुइन वटो साहब, मोहतरमा असमा कदीर साहिबा, जनाब अब्दुल वासे साहब, जनाब आफ्ताब शाबान मीरानी साहब, जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब, इमरान खटक साहब, जनाब उसामा कादरी साहब, नूर आलम खान साहब, शाहिद अहमद साहब, नासिर इकबाल बुसाल साहब, खुरम दस्तगीर खान साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, सरदार रियाज महमूद खान मजारी साहब, सैयद हुसैन तारिक साहब, राव मोहम्मद अजमल खान साहब, जनाब अतउल्ला साहब, मोहतरमा अंदी लबासी ने रुख्सत की दरख्वास्तें की हैं, क्या दरख्वास्तें मंजूर हैं? मंजूर हैं जी। जनाब राहत अमानुल्ला भट्टी साहब, बजट पे बहस करें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, मैं बैक वेंचर हूं और यहां से बैठ के मैंने सबकी तकरीरें बड़े आराम से सुनी। अक्सर मेरे भाइयों ने, सब मेरे भाई हैं, अपोजिशन में बैठे हों या इस तरफ बैठे हों, मैं दोनों को आज एड्रेस करूंगा। उन्होंने बजट पे कम बोला और बाकी लोगों के खिलाफ ज्यादा बोला, और वो भी बोला जिसका कोई ताल्लुक हमारी बेहतरी से नहीं है। मैं सबसे पहले इस बात से शुरू करूंगा कि हम यहां एमएनए बन के आए, एक बहुत बड़ी अवाम की अक्सरियत से वोट लेके आए। सबसे पहले तो हम अपने बारे में बात करें, अपने लीडरों को, अपोजिशन के लीडरों को, या ये सारे बड़े बड़े लोग जो आगे बैठते हैं इन कुर्सियों पर, इनको जरा हम दो मिनट के लिए छोड़ दें, हम पहले अपने बारे में बात करें। हम जो एमएनए हैं, मैं पहली बार एमएनए बन के आया हूं, खुदा की कुदरत से इस उम्र में शायद मैं इस हाउस से सबसे बड़ी उम्र वाला हूं। हम जब भी आते हैं हम ये कहते हैं इस गवर्नमेंट ने क्या किया, या और लोग कहते हैं जी फलां गवर्नमेंट ने क्या किया। मुझे याद है एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और वो मेरा ख्याल है सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट थे, वो आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में लोगों से पूछा, आज मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूं दोनों साइडों से। उन्होंने ये कहा कि आप अमेरिका से ये कुछ मांगते हैं, आपने कभी ये सोचा कि मैं अमेरिका को क्या दे सकता हूं? हम इधर आए, कभी ये जितनी तकरीरें मैंने सुनी यही सुनी कि जी मेरे हलके में फलां सड़क नहीं है, वो चल रही थी उसको बंद कर दिया गया और आगे चला गया। क्या हमारे लोगों की जिंदगियां सिर्फ इन गली नाली और सड़कों के ऊपर मुनहसर हैं? मैं पूछता हूं, हम यहां एमएनए बन के आए हैं, अपने अपनी सतह पर हमने अपने लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए और इस मुल्क के लिए क्या किया है? बिल्कुल कई जगह से जवाब शायद मुस्बत भी हो, लेकिन अक्सर जवाब नफी में होगा। लोग मुझे यहां आके सुनाते हैं, कल भी एक साहब थे, पहले वो मेरे ही जिले में होते थे, बाद में अलहदा हो गए, वो कहता है जी मैं छठी बार एमएनए बन के आया हूं। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है जब कोई कहता है मैं छठी बार बन के आया हूं। भाई जरा जाके अपने हलके का हाल तो देखो, या हमें यह बताओ
कि तुम छठी बार बन के आए हो यार, तुम्हें तो ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। तुमने क्या दिया है इस मुल्क को? ये मुल्क आप छठी बार एमएनए बन के आए हैं और ये मुल्क हमारे हवाले करके गए हैं। खुदा के लिए कुछ रहम करो अपने आप पर और बाकी लोगों पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम क्या हैं। मैं यहां का एमएनए हूं, मेरे हलके में बिजली चोरी हो रही है जो सबसे ज्यादा हमारा मसला बना हुआ है। क्या मैंने बिजली चोरी बंद करने के लिए कुछ किया? कि मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। मैं कर सकता हूं। जब मैं एमएनए बना, मैंने पिछली बार भी कहा कि मैंने 20 गांव ऐसे देखे जिनमें जिन्होंने 20 साल से कभी बिजली का बिल नहीं दिया था और मैं उनकी बिजली कटवा दी। फिर 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता जब उनके मीटर लगते गए, मैं उनको बिजली देता गया। ये नहीं कि मेरा हल्का बिजली चोरों से पाक हो गया है, उसमें अब भी बहुत से हैं। मैंने उसके लिए एक प्लान बनाया हुआ है। जो ही यहां से फारग होते हैं तो हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि NA 119 शेखुपुरा 1 को हमने बिजली चोरों से कैसे पाक करना है, और वो मैं कर सकता हूं। आप सब मेरे भाई कर सकते हैं। मुझे ये नहीं कह सकते कि उधर तो बिजली चोर नहीं है। मेरा कुदरती तौर पे हल्का इस किस्म का है कि वो नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला और शेखुपुरा के साइड पे घुसा हुआ है ये, और ये सब मुझे जानते हैं और मैं इनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। पहले तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये बात बताएं कि क्या हम रोज रोना नहीं रोते कि हमारे हलके में पीने का साफ पानी नहीं है? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो आपको साफ पानी दे? उनकी ड्यूटी है, लेकिन क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं है? हमारा कोई फर्ज नहीं है कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें और लोगों को साफ पानी देने की कोशिश करें? मैंने वो कोशिश शुरू की और अभी तक मैं 135 गांव में साफ पानी पीने का दे चुका हूं। मेरे पीटीआई की टीम है जिसने एक स्पेशल डीप बोर पंप डिजाइन किया है, 2 लाख रुपए में टोटल लगता है। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, मेरा मतलब गवर्नमेंट से पैसा। मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बच्चों ने, बाकी लोगों ने दिए हैं, और मैंने उस पर अभी तक 3.5 करोड़ के तकरीबन लगा चुका हूं। इन 135 गांव के अलावा 35 स्कूलों में लगाया है, अपने सारे थानों में लगाया है, मेरे हलके के जिसमें यहां के लोग बैठे रहते थे उनका पानी नहीं था, डीपीओ के दफ्तर में लगवाया है, जो इनकी लाइनें हैं उनमें लगवाया है, और अभी एक नए डीपीओ साहब आए हैं, कल मैं उनसे मिल के आया हूं, और वो भी कह रहे थे, मैंने कहा जी ठीक है, बाकियों में भी मैं कोशिश करूंगा लगाने की। ये है जो हम जाती तौर पर खुद कर सकते हैं, और जब हम अपना फर्ज पूरा कर लें तो फिर हम आगे चलें और गवर्नमेंट से पूछें कि जी आपने क्या किया है हमारे लिए। जब हम खुद ही नहीं करेंगे अपना काम तो गवर्नमेंट से हमें हक नहीं है। मैं अपने हलके में जाता हूं, लोग मुझे कहते हैं जी मुझे ये गली दें, नाली दें, ये करें वो करें। मैं कहिए मुझे बताओ तुमने पहले कितना टैक्स दिया है, या इस पूरा बाजार कितना टैक्स देता है? उसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाता हूं। उसके अलावा मंशियात जो जहर कातल है हमारी सोसाइटी के लिए, और हर हलके में बेपनाह चल रहा है। मुझे ये बताएं, मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं दोनों तरफ, उन्होंने अपने तौर पर इस मंशियात को बंद करने के लिए क्या किया है?
कुछ तो करना चाहिए। अगर हमारे पास ताकत नहीं है, हम उनका गला नहीं काट सकते, उनको समझा सकते हैं, हम कोई टीमें बना सकते हैं, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इन्होंने सॉरी जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मुझे उनका पता है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ वाले हलके में आसन साहब बैठे हुए हैं और नारोवाल सियालकोट के लोग होंगे, ये उधरी से गुजरते हैं, इनकी सड़क वहीं से आती है। बाकी दुनिया है, मैं इनसे दरखास्त करूंगा, मैं इनसे दोबारा दरखास्त करूंगा बादब कि ये रास्ते में मेरे गांव को विजिट कर रहे हैं, सड़क के ऊपर है। उसके अलावा 20 25 30 40 50 गांव खुद सेलेक्ट कर रहे हैं और जाके देखें कि क्या उनको साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर ये हमने हलफ उठाया था जब हम यहां आए थे और इसमें एक लाइन है नीचे कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा, राइट। मुझे नहीं पता कि हम इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं अभी तक। सब सोए हुए। एक छोटी सी बात मैं लेता हूं, अगर हम अल्लाह की किताब को सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि ये किताब अल्लाह ने हदायत के लिए भेजी थी भाई हमारे लिए, कि इसको पढ़ो और हदायत हासिल करो, और वो तब आएगी जब आप ये किताब तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। और रोजाना मैं अपने हलके में जाता हूं, लोगों से कहता हूं, मैं पिछले 35 साल से पढ़ रहा हूं, पहले मैं गुनाहगार था बहुत ज्यादा, अब भी हूं, हर रोज अगर 15 मिनट लगा लें, 15 मिनट, और अल्लाह की किताब पढ़ लें तर्जमे तफसीर से, एक साल में आप खत्म कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह मियां क्या चाहता है आपसे। जो मैं बात अभी करने वाला हूं वो ये है, अल्लाह कहता है मेरी मर्जी है किसको मैं कितना देता हूं, किसको मैं कम देता हूं या ज्यादा देता हूं, लेकिन जिसको मैं ज्यादा देता हूं, जिसको मैं ज्यादा देता हूं, उसको मेरी मखलूक का हक अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जब उसको दे रहा है तो उसमें उसकी मखलूक का हक है और वो हमें अदा करना चाहिए। ज़कात ये नहीं है, ये अल्लाह ने कहा है, और सबसे बड़ा सवाब ये है, क्योंकि अल्लाह मियां उससे अगले फिक्रे में फरमाता है, अगर आप कुरान पाक खोल के पढ़ लें, कि इसके सिले में मैं आपको अगले जहान कई गुना ज्यादा दूंगा, मेरा और आपका कई गुना, पता नहीं क्या हो, लेकिन अल्लाह का कई गुना तो फिर क्या गुना हो सकता है। ये इतनी बड़ी बात है और हम इस हलफनामे को उठा के रख दिया है। मेरी सर जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश होगी कि इस चीज को टेल्क में लगा के हम सबके इधर डेस्कों में रख दें, ताकि हम जब भी कभी आए तो हम इसको देख लें, इस पर नजर डाल लें कि क्या हम इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। भाई जब अल्लाह की किताब मुसलमान होते हुए हम नहीं पढ़ते तो इस हलफनामे की क्या कदर है। तो सर मेरी दरख्वास्त है आप माने, गौर करें कि इसके ऊपर टेल्क लगा के ये सब के एक एक रख दें। मेरी दरख्वास्त है, जब कभी किसी का जी चाहे इसको पढ़ लिया करें, शुक्रिया, ताकि हमें याद हो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उसके बाद सब लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी गरीब के मुंह से रोटी छीन लिया, गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है, गरीब को ये कर दिया इस गवर्नमेंट ने। भाई मुझे ये बताओ, अल्लाह मियां तो कहता है कि तुम्हारे हमसाये के घर में खाना नहीं है तो तुम्हारे लिए खाना जायज नहीं है या तुम नहीं खा सकते। क्या हम अपने हमसाये का ख्याल रखते हैं? क्या हम उसको खाना देते हैं?
हमसाये से मराज इसको बढ़ाते जाएं आगे, सब पता चल जाएगा कौन किधर की बात क्या कर रहा है। अब मैंने बहुत कुछ इस सिलसिले में किया है, अब मैं करूंगा तो एक तो टाइम नहीं होगा, दूसरा सब कहेंगे शायद मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अकेले में कोई मुझसे बात करे तो मैं उसकी मदद करूंगा। पानी के लिए जो मैंने इंतजाम किया है, कोई मेरा भाई अपोजिशन से या यहां से चाहे मेरे पास आए, मैं उसे पूरा ब्रोशर दूंगा और उसकी मदद भी करूंगा इस काम में। बहुत सी बातें हैं करने की, लेकिन खुदा के लिए आप सबसे पहले, आप एमएनए हैं, आपकी बहुत जिम्मेदारी, मैं एमएनए हूं, मेरी बहुत जिम्मेदारी है, मैं आपको क्यों कहूं, मेरी बहुत जिम्मेदारी है और मैं सबसे पहले इंसान बनूं, इंसान बनूं। और सबको पता है कि इंसान बनने के लिए उसमें क्या खूबियां होती हैं, वो दूसरों की इज्जत करता है और अपनी इज्जत कराता है, दूसरों को गालियां नहीं देता और खुद गालियां नहीं लेता, और बड़ा कुछ है। तो मुझे किसी और को भी नुकसान पहुंचाने का ख्याल नहीं आएगा। जी भट्टी साहब, दो मिनट हैं आपके, आप बात अपनी मुकम्मल कर लें। जी सर, मैंने जो एक्चुअली पेश करना है वो मैं पिछले साल से लिए फिर रहा हूं और वो मैं अभी तक नहीं कर सका। मेरी दरखास्त है कि आप पांच मिनट कर दें, दो की बजाय मैं खत्म कर दूंगा। पांच मिनट? जी हाँ, पांच मिनट में आप करें। ओके सर। उसके बाद सर, जब आप आवाम के पास जाते हैं, और भाई मेरे, उनको सिर्फ गली नाली की जरूरत नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है इज्जत नफ्स की और तहफ्फुज़ की। वो थाने में जाते हैं, धक्के पड़ते हैं, थाने में जाते हैं, गालियां पड़ती हैं, तहसील में जाते हैं, धक्के पड़ते हैं। क्या हम ये रोक सके हैं? हमें सबको इसके बारे में गौर करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, और फिर शायद हम अच्छे इंसान भी बन जाएं और अच्छे एमएनए भी बन जाएं। यहां खड़े होके तकरीरें करके गालियां देके कुछ हासिल नहीं होगा इस कौम को। फिर हम इधर खड़े होते हैं, अभी तक मैंने किसी तरफ से स्वाय क्रिटिसिज्म के कोई पॉजिटिव सजेशन नहीं देखी। भाई ठीक है, हम गलती होंगे पीटीआई वाले, हमारा बजट भी शायद खराब ही होगा, भाई खुदा के लिए अगर आपके पास कोई बेहतर चीज है तो पेश तो करें, बताएं कि ये बेहतर है। कोई नहीं देता सर। ये मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर, जनाब स्पीकर, मुझे आपकी अटेंशन। जी जी, जारी रखें जी। ये मैंने आर्टिकल लिखा था आज से एक साल पहले, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे मेरे वजीर आजम ने एफबीआर के प्रेसिडेंट जो पिछले थे उनके पास भी भेजा, उन्हें नाक मुंह चढ़ाई और इस आर्टिकल को देखा। मेरे साथ एक पीटीआई का लड़का भी था जो सबसे सीनियर लड़का था मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्होंने ऐसे लगा कि उनको गुस्सा चढ़ गया ये मेरी तजवीज़ सुन के, और उसके बाद नेचुरली इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी ये क्योंकि मैं लेट बात कर रहा हूँ, ये इस बजट में तो आ नहीं सकती, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी, मैं पढ़ देता हूँ, कि इसके बाद इसको कमेटी के पास भेज दें, जो भी कोई कमेटी है मुझे बुला लें, मैं उधर पूरा डिटेल में उनको समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा। मैं जरा पढ़ दूं तो अगर आप बुरा ना मनाएं, है अगर आप ये दे दें सबको तो इसको मैं कमेटी भिजवा देता हूं बगैर पढ़े भी। नहीं सर, नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, किसी को पता ही नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं करवा दूंगा। मैंने सिर्फ ऊपर ये लिखा है, हाउ टू रीच आउट द शुड बी टैक्स पेयर एंड वाइडन द टैक्स बेस। मैंने सर पूरे अपने हलके का जायजा लिया, पूरी पीटीआई टीम को साथ मिलाया, वहां के बुजुर्गों को मिलाया, वहां के बिजनेसमैन को मिलाया, इकट्ठे, और हम सब एक पॉइंट पे एग्री हुए
भट्टी साहब 20 मिनट हो गए हैं, आप दो मिनट में बात मुकम्मल करें जी, मैंने आगे भी लोगों को मौका देना है। ओके सर, 20 मिनट हो चुके हैं। मैं सर इसकी कॉपियां करके जी हाँ आपको दे दूंगा। ठीक है जी, आप कमेटी में भेज दें और शायद इस पर गौर हो सके। बहुत शुक्रिया। और इस गवर्नमेंट को फायदा होगा, टैक्स बेट वाइडन होगा और इंशाल्लाह हम फायदे उठे। थैंक यू वेरी मच जी। जी फाज चौधरी साहब।